दोस्तों, क्या आप भी इस टाइप के स्टिकर्स बनाकर अर्निंग करना चाहते हो? अगर हाँ, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से सिर्फ आप 10 मिनट काम करके अच्छे खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं क्रेडिबल अर्निंग। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे दमकदार ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना जो पहला काम होने वाला है वो होने वाला है स्टिकर्स बनाने का। तो दोस्तों, स्टिकर्स बनाने के लिए आपको canva.com की साइट पे आ जाना है। दोस्तों, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अपन को स्टिकर्स बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक कस्टम साइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके यहाँ विड्थ में डालना है 100 और इधर हाइट में भी आपको डालना है 100। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको px दिख रहा होगा, px की जगह इसको अपन को करना है mm पे। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्रिएट न्यू डिजाइन पे एक बार क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, यह आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टिकर्स। दोस्तों, यहाँ पे स्टिकर्स आप किसी भी टाइप के सर्च कर सकते हो, जैसे कि जो आजकल कूल टाइप के स्टिकर्स होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर कूल सर्च करा तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसे इस टाइप के स्टिकर्स आ जाएंगे, जैसे कि देखिए वर्ल्ड स्माइल डे, यहाँ पे और भी देखिए कुछ यूनिक यूनिक स्टिकर्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रॉल करके इनको देख सकते हो, जैसे कि देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर स्टिकर्स आ चुके हैं। दोस्तों, जो भी स्टिकर्स आपको पसंद आए हुए आपसे आप ले सकते हो, और आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि अभी ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यू बेट आई डिड, मतलब देखिए कितना अच्छा है। जैसे कि आप ये देखिए ओ, मतलब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे स्टिकर्स आ रखे हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी स्टिकर यहाँ से अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों, सपोज अभी मैं कोई दूसरा है यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ स्टिकर। दोस्तों, एक सेकंड में कोई अच्छा से यहाँ पे स्टिकर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला स्टिकर अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये वाला स्टिकर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। अब दोस्तों, अपन को क्या करना है, इसको सिंपली करना है डाउनलोड। दोस्तों, आप चाहो तो इसको कुछ चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, या आप चाहो तो ये जो फॉन्ट है इनको भी चेंज कर सकते हो, या टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों, मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, मैं यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों, मैं तो यहाँ पे इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, देखिए अपना यहाँ पे सिंपली डाउनलोड होना शुरू होने वाला है इधर। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंपली अपना डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद अपन को आ जाना है remove.bg की साइट पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है remove.bg। दोस्तों, इतना आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस पर जाना है, अपलोड इमेज पर जाना है, फिर अपने जो यहाँ पे स्टिकर डाउनलोड करा हुआ है यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों, ये साइट क्या करती है, ये किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। दोस्तों, इतना करने के बाद इधर से अपन को डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, अपन ने स्टिकर तो बना लिया, अब बात करते हैं अर्निंग के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ अर्निंग के। दोस्तों, जो पहला मेथड है वो है टी शर्ट सेलिंग का। दोस्तों, टी शर्ट डिजाइंस का। दोस्तों, ये टीशो पर एक साइट है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने और भी वीडियोज में बताया। दोस्तों, ये एक इंडिया की साइट है जहाँ पर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में लोग टी शर्ट खरीदते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो टी शर्ट की डिजाइन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अपन को यहाँ पे टी शर्ट खुद नहीं बेचनी, अपन को बस यहाँ पे अपनी डिजाइन से जो अपलोड करनी है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट साइनअप कर लेना है gmail.id से। दोस्तों, फिर आपको स्टार्ट डिजाइनिंग में एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको हाफ स्लीव टी शर्ट चाहिए, या आपको फुल टी शर्ट चाहिए, आपको हुडी चाहिए, या आपको पिलो चाहिए, या कुछ और चाहिए, जॉगर्स चाहिए, क्या चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप, मैं अभी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डिजाइंस अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके लिए एक बार आपको ब्राउज आउट में क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप ब्राउज आउट में जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस वेबसाइट की तरफ से आपको खुद बनी बनाई बहुत सारी डिजाइंस मिल जाती है कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर आपको खुद की डिजाइन लेनी है तो आपको क्या करना है, चूज फाइल पे एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो अपने वो यहाँ पे फोटो ली थी वो यहाँ से, दोस्तों जो अपन ने वहाँ से remove.bg से फोटो ली थी वो क्या है, उसका जो पिक्सल है वो कम है, यानी कि उसकी क्लियरिटी कम है, तो यहाँ पे ले नहीं रहा। दोस्तों, अपन को क्या करनी है, सिंपली ये वाली फोटो डाउनलोड कर लेनी है जो कि अपन ने कैनवा से ली थी। दोस्तों, अपन को वापस एक बार कैनवा पे आ जाना है। अब दोस्तों, शेयर पे वापस क्लिक करना है, डाउनलोड पे एक बार वापस क्लिक करना है। दोस्तों, अपन को क्या करना है, इसकी क्लियरिटी को बढ़ा देना है। दोस्तों, इसकी क्लियरिटी को बढ़ा के यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये वाला ऑप्शन सिर्फ मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने इसका कैनवा प्रो ले रखा है, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपके लिए भी मैं यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं तो फिलहाल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, आपके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है इमेज एनहेंसर ऑनलाइन।
दोस्तों आपको इमेज एनहेंसर ऑनलाइन पर क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके यहाँ पे एक पिकविज की साइट दिख जाएगी। दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं इस वाली फोटो को अपलोड कर देता हूँ जो कि अपने रिमूव डॉट बी जी से डाउनलोड करी थी। दोस्तों ये साइट क्या करती है, ये जो बिल्कुल लो क्वालिटी की फ़ोटो होती है उसको एच डी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको सिर्फ यहाँ से ऐसे करना है, इस टाइप से यहाँ पे एच डी में कर देना है, फिर इसको नीचे से यूँ आना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो चुकी है। दोस्तों आप इसको इसको कट करके अपन को टीशू पेपर की साइड पे आना है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फोटो को मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपलोड। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपनी फोटो है दोस्तों आपके सामने, जो मैंने यहाँ से कैनवा से भी डाउनलोड करी थी वो मैंने खुद नहीं ली, मैंने ये जो अभी पिकविज से डाउनलोड करी है मैंने वो फोटो ली है। दोस्तों आप इस साइट का यूज कर सकते हो, आपको कैनवा प्रो की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको इसको करना है टी शर्ट के बीच में फिट। दोस्तों कितनी शानदार टी शर्ट लग रही है, जिसकी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों इस वाले कलर में देखिए कितनी शानदार टी शर्ट लग रही है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी शानदार टी शर्ट लग रही है। दोस्तों आप इसको थोड़ा भी और चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप टेक्स्ट जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे एड टेक्स्ट करके यहाँ पे आप टेक्स्ट भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं फिलहाल टेक्स्ट नहीं कर रहा। अब दोस्तों इतना करने के बाद इसकी जो प्राइस है अभी बेस कॉस्ट जो कि इस वेबसाइट की तरफ से वो है यहाँ पे 465 रुपये। अब इसमें अपना प्रॉफिट अपन ऐड करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले सेल दिस पे क्लिक करना है, फिर आपको इसका डालना है यहाँ पे टाइटल कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है टी शर्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल है अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही डालना है। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना सा टाइटल डाल रहा हूँ। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी आपको टी शर्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, मतलब टी शर्ट की जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आप बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ टी शर्ट लिख रहा हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कम से कम 2-3 लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है, दोस्तों टेक्स्ट में आप यहाँ पे टी शर्ट डाल सकते हो, यहाँ पे आप यूनिक डाल सकते हो। दोस्तों एंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम है जो कि लोगों को आती है वो क्या है, क्योंकि ये वेबसाइट है अभी मैं तो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे एंटर का बटन नहीं होता तो जो टेक्स्ट है वो लग नहीं पाते। दोस्तों आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को फ़ोन के अंदर यानी कि मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड ऑन करके चलाना है, जिससे कि आपके टेक्स्ट वहाँ पर लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले लोग क्या करते थे, डेस्कटॉप मोड पे ऑन करते ही नहीं थे इस वेबसाइट को, जिससे कि उनके टेक्स्ट लग नहीं पाते थे। लेकिन अब अगर आप डेस्कटॉप मोड पे ऑन करके इस वेबसाइट को लगाते हो चलाते हो तो आपके टेक्स्ट इजीली लग जाएंगे। दोस्तों इतना करने के बाद अपन को इसका कलर चूज़ करना है कि आप किस वेबसाइट किस कलर में इसको बेचना चाहते हो। दोस्तों आप यहाँ पे 2-3 कलर चूज़ कर सकते हो, या चाहो तो एक कलर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। दोस्तों इतना करने के बाद आपके यहाँ पे देना है इसका कोई अच्छा सा टाइटल, मतलब इसका URL देना है कि अब आप इस URL को अगर कहीं पे भी भेजोगे, कहीं पे भी कॉपी करके किसी को भी सेंड करोगे तो वो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस टी शर्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छा सा यहाँ पे टाइटल दे देना है, अच्छा सा जो URL में यहाँ पे दे देना है। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इसका प्राइस डालना है। दोस्तों प्राइस सपोज आपको 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए इस टी शर्ट से तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 565 रुपये। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये है और इसकी जो प्राइस है वो टोटल हो चुकी है 594 रुपये, जिसमें से 100 रुपये का अपना प्रॉफिट है, बाकी जो बचेगा वो ये वेबसाइट रहेगी। दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद अपन को सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपनी डिजाइन है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये वेबसाइट इस टी शर्ट को खुद डिलीवर करेगी। देखिए फ्री शिपिंग है, इसका प्राइस आ रहा है, लोग साइज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, देखिए क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इसकी तरफ से ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया, जैसे कि गाइडेंस आ गई, मटेरियल का वो आ गया कि मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, उसके टैक्स आ गए। यहाँ पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है इस वेबसाइट की तरफ से। दोस्तों डिजाइन भी देखिए कितनी कूल लग रही है। दोस्तों अब आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली भेगाना है आप वापस से। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यार पे आउट कैसे मिलेगा। दोस्तों पे आउट के लिए आपको पे आउट पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके जैसे यहाँ पे 500 रुपये हो जाते हैं आप इसका तुरंत पे आउट ले सकते हो। दोस्तों आपको पे आउट सिंपली पेटीएम के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर ऑलरेडी अटैच कर रखा है तो मेरे सामने वो ऑप्शन नहीं आ रहा, आप अटैच नहीं करके रखोगे तो आपके सामने पेटीएम अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अर्निंग करने का एक और तरीका है, वो है रेफर एंड अर्न। दोस्तों अगर आप अपना ये लिंक किसी को भी कॉपी करके भेजते हो और वो आपके लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आके कुछ अर्निंग करता है, जब भी वो अपना फर्स्ट पे आउट लेगा आपको 200 रुपये तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपको इस फोटो की यहाँ पे इस ये जो डिजाइन है इसकी फोटो चाहिए ताकि आप लोगों को बेच सको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केटिंग पे एक बार क्लिक करना है
फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। इसकी फोटो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और किसी को भी भेज सकते हो दोस्तों। ये तो हो गया अपना पहला तरीका। आप दोस्तों दूसरे तरीके की मैं बात करूँ दोस्तों, वो है गमरोड। दोस्तों आपको गमरोड की साइट पे आ जाना है दोस्तों, इसमें भी आपको साइन वगैरह कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आप अपनी उस फोटो को बेचोगे दोस्तों, आपको इस यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है दोस्तों। आप यहाँ पे सबसे पहले आपको साइनअप कर लेना है दोस्तों। साइनअप में एक बार वापस बैक आ जाता हूँ दोस्तों, फिर आपके यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है दोस्तों। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब दोस्तों इतना करने के बाद अपन को यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के ऊपर आना है, प्रोडक्ट के सेक्शन में आना है, फिर आपको यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या भेजना चाहते हो दोस्तों, अपना डिजिटल प्रोडक्ट है तो अपन यहाँ ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसका नाम देना है जैसे कि अपना स्टिकर्स है तो स्टिकर्स दे देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइस सेलेक्ट करना है, जैसे कि प्राइस आप अपने हिसाब से जैसे कि मैं $2 रख देता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक करना है दोस्तों। फिर आपको उसका नाम दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है, फिर आपको उसका एक URL बना देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की जो कवर इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, उसका एक थंबनेल जो कि 600x600 PX के अंदर होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए, ये बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। फिर आपको उसकी जो समरी है वगैरह वो लिख देनी है, यहाँ पे उसका प्राइस डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जैसे ये सारी चीज़ें कर देते हो, आपके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती है, पब्लिश पे क्लिक करना है, तो आपका जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। और कोई भी अगर इस वेबसाइट पे आके आपके प्रोडक्ट को बाय करता है तो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप आपको मतलब मैंने कितने सिंपल तरीके बता दिए, मतलब आपने सिंपली 2 मिनट के अंदर कैनवा से एक स्टिकर डाउनलोड करा और उसको पहले तो आप गमरोड में बेचोगे जिससे कि आपकी अर्निंग होगी। सेकंड उसी गमरोड की जो उसी जो कैनवा की जो डिज़ाइन है जो स्टिकर है उसकी सिंपली आप टी शॉपर पर डिज़ाइन अपलोड करके टी शर्ट बेच के अर्निंग करोगे दोस्तों। कितना सिंपल मेथड है अर्निंग करने का दोस्तों। आज से ही इन दोनों मेथड पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपकी गारंटेड अर्निंग शुरू हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों। ये थे आज के 2 मेथड दोस्तों जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे ऐसे धमाकेदार वीडियोस आती रहती है। और दोस्तों आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपली मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।